हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए फ्रेंड्स, आज फिर से हम धागे की भराई बनाते हैं। तो आज हमारे सिलाई का तरीका कुछ अलग होगा। तो देखिए, हमने इस तरह से सिलाई का तरीका आपको आज बताना है। तो देखिए, इसे हमने ट्रेस कर लिया है, आप भी ट्रेस कर सकते हैं जैसा अपना पसंद करें। इसके बाद देखिए, यहाँ से हम सुई को नीचे की तरफ करेंगे, ज़्यादा दूरी पर नहीं, यहाँ पर करेंगे और यहाँ पर हमें निकालना है। हमें आहिस्ता आहिस्ता, ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है और ज़्यादा लूज भी नहीं करना है, हमें ऐसे करके निकालना है। फ्रेंड्स देखिए, ये देखिए, हम ऐसे करके इसको बनाएंगे। ये पूरा पेड़ का जो डाल है, हम इसको तैयार कर लेंगे। देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ऐसे हमारा बनते जाएगा। आप धागा से भी बना सकते हैं, रेशम के या ऊन से भी बना सकते हैं, या आप लड़छी वाले भी धागे को यूज कर सकते हैं। आप जिससे भी अच्छा महसूस कर सकते हैं कि इसे हमको बनाने का मन कर रहा है, तो उससे आप बना सकते हैं। देखिए देखिए, कितना ही बढ़िया जा रहा है ये। ठीक, इसके बगल में देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, ऐसे बनाते जाना है हमें। देखिए, ऐसे ऐसे हमें कंप्लीट कर लेना है। यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। अब जिस साइड से हम इसको बनाए हैं, उसी साइड से दूसरे वाले लाइन को भी हम बना लेंगे। देखिए, पीछे के साइड से हमारा ऐसे है ये, इसको यहाँ पे हम कट कर लेंगे। देखिए, हम दूसरी वाली भी लाइन बना रहे हैं, हमें ऐसे इसको भी पूरा कर लेना है। आराम से धागा को ज़्यादा खींचना भी नहीं है, ताकि हमारा टाइट ना हो। ऐसे इसको हम बनाते हुए पूरा कर लेंगे इस लाइन को। ये देखिए, ऐसे हम इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। देखिए देखिए, हम बनाते जा रहे हैं इसको। ऐसे हमें फ्रेंड्स ये लाइन कंप्लीट कर लेना है। तो हम करके आपको दिखा रहे हैं, ये वाली लाइन हमारी पूरी हो चुकी है। यहीं से इस धागे को हम नीचे सुई करते हुए इसको बंद कर रहे हैं। अब देखिए, हम दूसरा कलर का धागा लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम दूसरा वाला बनाएंगे। अभी हम फूल बाद में बनाएंगे, पहले इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर से हम दूसरा स्टिच कर रहे हैं। देखिए, हमें कुछ इस तरह से करना है इसको। वो हमने दूसरा बखिया चलाया था, इस बार हम दूसरा बखिया चला रहे हैं। देखिए, हम छोटा छोटा इसमें बखिये की तरह मारेंगे। देखिए, इस तरह से हमारा जाएगा कुछ। देखिए, हम इसको ऐसे बनाना है हमें। ऐसे इस लाइन को हम पूरा कंप्लीट करेंगे। देखिए देखिए, ये वाला हमारा पूरा हो गया है। अब इसके आगे वाला पोर्शन हम बनाते हैं। जैसे जैसे हमने इसको शुरू किया है, वैसे वैसे फिर यहाँ से शुरू करेंगे दूसरा वाला फूल। देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लिए हैं। एक हमने बना लिया है, ठीक वैसे ही हम बना रहे हैं दूसरा वाला भी। ऐसे ही हमें बनाना है। इस बार हम इसको भराई नहीं कर रहे हैं, हम खाली बखिया दे करके इसको आपको बता रहे हैं।
जो थोड़ा अलग है भराई से। देखिए हमारा ऐसे ही पूरा होते जा रहा है, ये देखिए। ये देखिए हमारा ऐसे बनते जा रहा है ये वाला पत्ती फूल का। देखिए हम इसको बना लिए ऐसे, इसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमने इसको बनाया है वैसे ही हमने इसको भी पूरा कर लिया है। ये लाइन हमारा पूरा हो गया है। अब चलिए इसका ये वाला पोर्शन हम बनाते हैं। ये देखिए इसकी हम भराई करते हैं, ये हमारी जो पत्ती है उसकी, तो इसकी भराई फ्रेंड्स ऐसे ही सिंपल है जैसे कि हमने समय बताया था आपको। पिछले वीडियो में हमने इसकी भराई एक बताई थी रेड रंग का फूल रंग बना के रेड कलर में, वैसे इसको भराई हम कर लेते हैं। देखिए हमारी ये भराई हो रही है फूल के। ये देखिए हमारी इसकी भराई हो चुकी है। अब हम दूसरे पत्ते की भराई करेंगे, इसकी यहाँ से भराई करेंगे। जिसका शेप जैसे रहेगा फ्रेंड्स, हमको उसकी भराई वैसे ही करनी है। जिस शेप में रहेगा उसी शेप में करना है। तो देखिए हम इस शेप में है इसकी भराई, तो हम आपको करके बता रहे हैं। ये देखिए ये देखिए ये भी हमारी फूल की पत्ती कंप्लीट होने वाली है। ये देखिए देखिए हमारी दो पत्ती बन चुकी है। वैसे ही ये जो बाकी पत्ती है इसको भी हम वैसे ही बना लेंगे फ्रेंड्स। उसी तरह हमने इस पूरी पत्ती को कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए कितना प्यारा पत्ती बन गया है इसका। अब चलिए हम फूल बनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम रेड कलर से इसका फूल बनाएंगे। तो देखिए हम यहाँ से सुई नीचे की तरफ करके थोड़ा सा हम निकालेंगे बाहर, आई धागा के बीचों बीच हमें निकालना है। तो देखिए हमारा ऐसे आ जाएगा, ऐसे बन जाएगा। ये देखिए हम फिर से आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए हमारा ऐसे बनते जाएगा ये वाला फूल। देखिए कितना प्यारा बन रहा है। सुई को बीचों बीच ऐसे निकालेंगे हम, हमारा अपने आप देखिए बनते जाएगा कितना। फिर हम फ्रेम को ऐसे घुमा लेते हैं, फिर ऐसे ही हमें बनाना है। ये देखिए देखिए ऐसे ही हम इस फूल को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। देखिए हमारा ये फूल बनते जाएगा। ये देखिए हमारा ये बनते जा रहा है फ्रेंड्स। ऐसे ही इसको हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, जितना भी ये पत्ती बना हुआ है। देखिए फ्रेंड, ये हमारा फूल बनके तैयार है।
अब यहाँ पे हम इसको नीचे धागा करते हुए बंद कर लेंगे। अब देखिए ये जो बीच वाला फूल हमने बनाया था इसको पीला रंग से हम इसको सर्कल कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम पीले रंग से इसको सर्कल कर लेंगे। इसको ऐसे ही गोल गोल करके हम कर लेते हैं सर्कल। ऐसे इसको हम बना लेते हैं फ्रेंड्स, इसको पूरा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं ऐसे। अब देखिए इस बीच वाले को सर्कल करने के बाद इसकी जो थोड़ी सी स्पेस बची है इसको हम भराई कर लेते हैं। इसको देखिए स्टार की तरह बना लेंगे हम। यहाँ से सूर्य को नीचे की तरफ करते हुए इसकी भराई कर लेंगे। देखिए इसको हम ऐसे ही भर लेंगे। ये देखिए बीच में इसको हम भर देंगे ऐसे ही, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इसकी भराई हमने पूरी कर ली है। अब इसको हम नीचे की तरफ निकाल देंगे। देखिए अब ये वाला फूल हम बनाएंगे। यहाँ का जो हमारा बचा है इसको सीधा हम ऐसे ही ले लेंगे लंबा धागा। इसको दो लरी ले लेंगे हम धागे को। आप चाहे चार फोल्ड से बना सकते हैं, चाहे दो लरी होगा तो उसको हम डबल ले सकते हैं। इसको देखिए हमने ऐसे ले लिया है, डबल लरी कर देंगे इसको। इसके बाद देखिए इसको यहाँ पर हमें देखिए, इसके बाद हम जब दो लरी इसको कर दिए हैं, इसके बाद हमें ऐसे गीठ दे करके यहाँ पे इसका फूल बनाना है। चाहे तो आप दो बार भी कर सकते हैं, जितना ही बड़ा आप गीठ देंगे उतना ही बड़ा हमारा ये नीचे से फूल बनेगा इसका। ये देखिए फिर इसको यहाँ पर हम करेंगे, इसको भी हमें एक लरी करना है। ये जब फिर हमारा सुई ऊपर की तरफ आएगा तो इसको भी हम ऐसे ऐसे करके बनाएंगे फूल इसका। ये देखिए ऐसे ऐसे ही हम इस सबको कंप्लीट कर लेंगे। चलिए तो इसको हम पूरा कर लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स ये वाला भी हमारा कंप्लीट होने वाला है। देखिए इसको नीचे की तरफ से हमने ले लिया है, ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। सो हमारा ये फूल बन के रेडी है फ्रेंड्स। देखिए कितना ही प्यारा और कितना ही कम समय में और इतना साधारण से डिजाइन हम लोग घर पे भी बना करके कोई भी चीज़ पर हम लोग बना सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं इसको। और देखिए बनाने का जो तरीका है वो भी बहुत ईजी है। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस पर कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।